हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि लेकर आ गए हम आपके लिए 500 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साइंस के, जो ग्रुप डी पटवार, रीट और रेलवे, लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो या आपके स्टेट लेवल का पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी भी जगह पे साइंस के प्रश्नों का कोई आधार नहीं है कि आपसे ईजी पूछेगा कि हार्ड पूछेगा। साइंस के आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन वहाँ देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। कई क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं पुराने, तो सब तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और ये हमारी क्लास 5th रहेगी, हैं 5वें नंबर की क्लास है हमारी सीरीज़ की। तो इसमें 500 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, जो मैं लेके आ रहा हूँ कंटिन्यू। थ्योरी या अल्टरनेट थ्योरी आ रही है, यही आ रही है आपके, ठीक है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और देखिए कितने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी आपको देखने के बाद आप खुद इसका डिसीजन लेंगे। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 51 नंबर का क्वेश्चन है ये कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर ये स्पष्ट पूछ रहा आपसे उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु की अगर मात्रा बदले तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई इसका आंसर होगा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। जो डायरेक्ट आंसर टाइप होंगे वो मैं आपको सोल्व करा के आगे चलता जाऊंगा, और जो मुझे लगेगा कि मुझे समझाना चाहिए वो मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, किसी वस्तु की यदि मात्रा बदला जाए तो उसके जो घनत्व होता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए ध्यान से, 52 नंबर का क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों आ जाता है। तो इसका आप कारण सभी लोग जानते हैं, हवाई जहाज से जब हम यात्रा करते हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकलती है या क्यों बाहर आ जाती है, तो इसका कारण है वायुमंडलीय दाब में कमी। क्या? वायुमंडलीय दाब में कमी, कमी के कारण, है ना। जब वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता कमी होती है तो फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी के साथ अब देखिए, ये दो क्वेश्चन आपके 51 52 हुए, अब 53 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है। तो प्रत्यास्थ का मतलब पहले समझिए आप, हैं प्रत्यास्थ क्या होता है, इलास्टिसिटी, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी चीज़ के ऊपर बाह्य बल लगाएं और उसके रूप में विरूपकता आए, यानी उसका रूप बदल जाए, और बदल जब हम बल लगा रहे हैं उसकी अवस्था में चेंजेस आए, उसके आकार में चेंजेस आए, और जैसे ही हम वो बाह्य बल हटा लें तो वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ये प्रत्यास्थता कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। तो स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है, तो इसका कारण है देखिए, स्टील के लिए जो विरूपक बल होगा वो अधिक आवश्यकता होती है उसकी, स्टील के लिए अधिक विरूपक बल, अधिक विरूपक बल है, इसी कारण से स्टील क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। अधिक विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
डीफॉर्मिंग, चाहो तो लिख लो आप यहाँ पे डीफॉर्मिंग, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल चाहिए है, ये विरूपक बल भी इसका अधिक होता है, ठीक है ना, इस कारण से ये अत्यधिक प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, जैसे आपने बारीक बारीक स्प्रिंग देखी होगी जो पतले साइज की होती है, हम उसको खींच के बहुत लंबा कर सकते हैं। एक छोटी सी स्प्रिंग आप लें तो उसको बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें विरूपक बल की आवश्यकता अधिक होती है, या उसका विरूपक बल भी अधिक होता है, ठीक है, इस कारण स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरण, रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन डिवाइस, तो जिससे हम रात को देखते हैं, में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है, उसमें कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, ठीक, इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है, कई एग्जामों में आया है, एंड ये आपके क्या बोलते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह और इन एग्जामों में पूछ चुका है इनको। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंग धैर्य कितना होता है, तो इसमें मान पूछ रहा है आपसे, तो ये होता है 390 से 750 नैनोमीटर के बीच, 390 से 750 नैनोमीटर, ठीक, ये नैनोमीटर में चलता है दृश्य प्रकाश का यानी विजिबल लाइट का तरंग धैर्य कितना होता है, तो 390 से 750 नैनोमीटर के बीच। अगला क्वेश्चन है 56, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाएं। आंतों से संबंधित रोग निदान में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है, अब अगर कोई रोग आंतों में हो जाता है तो किस तरह की किरणों का प्रयोग करते हैं हम उसके उपचार के लिए, आपने देखा होगा कैंसर वगैरह में भी किरणों का प्रयोग होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं हम, आंतों से संबंधित रोग निदान में एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का, ध्यान से इनको अच्छे से याद कर लेना आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके, ग्रुप डी वाले तो ध्यान से सुन लेना भाई, जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेगा, रीट और पटवार के एग्जाम में बैठेगा, वनपाल के एग्जाम में बैठे, पुलिस के एग्जाम में बैठे, कांस्टेबल हो या एसआई हो, वो लोग कम से कम साइंस के इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख कर जाना। क्यों? क्योंकि ये 500 क्वेश्चन में से फिर जब आएंगे ना, तो आप कहोगे कि यार क्वेश्चन तो मिल गए थे, इन्हीं में से आए, है ना, तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी पढ़ाई तो करें, अगर आप अपने रूप पढ़ना चाहते हैं, आप कोई किताब से भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसकी भी कोई वजह होगी, तो इसको अच्छे से आप पढ़ कर जाएँ। हैं आगे देखें, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की तीक्ष्णता बढ़ जाती है क्यों, कोई रेलगाड़ी हमारी तरफ आ रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, आपको मालूम है, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं आप, और जैसे ही वो ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ एंट्री होने वाली होती है, उससे पहले वो ज़ोरदार एक सीटी बजाती है ना, ये ट्रैफिक रूल्स हैं उनके रेलवे के, कि किसी क्रॉसिंग को पार करने से पहले या प्लेटफॉर्म पर प्लेस होने से पहले या प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले, क्यों, क्योंकि पब्लिक का आवागमन होता है ऐसे जगह पे, कई लोग गैर कानूनी तरीक़ों से क्रॉसिंग भी करते हैं, नहीं जाना चाहिए रेल क्रॉस करके लाइनों को, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं, तो सारे ट्रैफिक नियमों को देखते हुए ट्रेन का जो लोको पायलट होते हैं वो सीटी बजाते हैं एक, हैं, तो जब वो ट्रेन की सीटी बजाते हैं तो ऐसा लगता है जब ट्रेन उधर से आ रही होती है तो, कि उसकी सीटी और तेज़ होती जा रही है,
तीक्ष्णता उसकी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण। अब देखिए, ये इन प्रश्नों के समावेश में कई चीज़ें हैं जो समझा नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें आप है ना, एक्स किरणें, डॉपलर प्रभाव, ये सब आप मेरे इसी चैनल पर थ्योरी पार्ट में आगे पढ़ते जाएंगे, आपको सब मिलेगा ये डिटेल से। टाइम लगता है इनको पढ़ाने में थोड़ा। तो अभी आप क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो समीप आती हुई रेलगाड़ी है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की तीक्ष्णता क्यों बढ़ जाती है? डोपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य परास है, परास का मतलब रेंज, कितनी होती है? तो ये होती है 10^-14 मीटर से 10^-10 मीटर तक, इसका आंसर। ये परास पूछ रहा है, गामा किरणों का तरंग धैर्य परास, यानी उनकी जो तरंग धैर्य है, परास का मतलब उसकी कितनी वो है। अब यहाँ पे जिसके पास मैथ नहीं ना भाई, मेरी उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना थोड़ा सा अपना, क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी रहता है मुझे समझाना। अब इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ ज़रूरत लगती है मैं वहाँ समझाता ही हूँ, आपने देखा भी होगा। तो ये 10^-14 मीटर से 10^-10 मीटर के बीच में रहता है, तो ये मत सोच लेना आप लोग कि ये बड़े से कम की तरफ कैसे होगा। 10^14 का, -14 का मतलब होता है 1/10^14। अब यानी 14 बार मैं 10 लिखूं यहाँ पे, तो उसका भाग जब मैं 1 में दूंगा तो मान इससे कम ही आएगा इसका, यानी ये वाला जो मान है ना, यानी कहने का ये मतलब है कि 10^-10 है वो ग्रेटर देन है 10^-14 से। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं 1 को, अगर 1/10^-10 लिखता हूँ तो 1 को मैं 10^10 के बराबर ही भाग डिवाइड करूँगा भाग देके, लेकिन यहाँ -14 के बराबर, यानी 1 को अगर मैं 2 से 1, तो 2 से भाग दूँ, 1/2 करूँ और 1/5 करूँ, तो कौन सा बड़ा आएगा? 1/2 वाला बड़ा आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना, इसको गलत मत समझ लेना आप लोग है ना, और परेशान हो। तो ये गामा किरणों की रेंज बताई है मैंने आपको, तरंग धैर्य प्रयास की, परास की रेंज है ये, तरंग धैर्य का परास है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये है इंफ्रा इंफ्रा रेडिएशन। इंफ्रा रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है भाई ये। इंफ्रा, FRED भी कर सकते हैं इसको, इंफ्रेड, इन्फ्रारेड रेडिएशन, यानी अवरक्त किरणें, अवरक्त विकिरणों का, अवरक्त विकिरण, विकिरणों का, जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है ना, जो हम बैठे बैठे चलाते हैं टीवी को। आप बैठे बैठे क्या करते हो? आप बैठे बैठे ये दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, अवरक्त किरणें। तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड अवरक्त, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त विकिरणों का। आगे देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीर्घ रेडियो तरंगे
आप जानते हो रेडियो तरंगे। अब जो तरंगे हैं वो वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है यानी लौटती हैं, तो ये आपका आएगा आयन मंडल, आयन मंडल से, आयन मंडल से। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा आयन मंडल से। एक बहुत ही शानदार और क्वेश्चन इसके बाद का। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि ये इनमें भी ये सारे अच्छे हैं क्वेश्चन, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन छाटे हैं। बंद चूल्हा, अब बंद चूल्हा हिंदी वर्ड है लेकिन आप ओवन का नाम सुनते हैं ना, ओवन जिसमें टोस्ट गर्म करते हो आप लोग, ब्रेड गर्म करते हो, बर्गर वगैरह, ओवन है। कई लोग तो ओवन क्या होता है, बाटी वगैरह की भी ओवन आती है, तो वो बंद ही रहता है इसलिए उसको बंद चूल्हा कहते हैं। मैं किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगों का, किसका, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगों का, इंग्लिश में माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है बंद चूल्हे में। अब कुलिज नली का ट्यूब है, अब एक ट्यूब होती है, ट्यूब कांच की ट्यूब ही होती है, उसको कुलिज नली का टाइप, मतलब कुलिज नली का ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने में किया जाता है। तो एक किरण उत्पन्न कर रहे हैं हम, एक रेज उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें हम कुलिज नलिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पूछा गया कि कुलिज नलिका का प्रयोग जो होता है, प्रॉपर कुलिज नलिका है, इसका प्रयोग कौन सी किरणों को उपयोग उत्पन्न करने में कर रहे हैं, तो एक्स किरणों को, एक्स किरणों को, इसका आंसर होगा आपका, एक्स किरणों को। ठीक है, तो एक्स किरणों के उत्पन्न करने में कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 63 नंबर का, पराध्वनिक जेट। पराध्वनिक जेट जो है यानी सुपरसोनिक जेट, जेट फाइटर प्लेन वगैरह जो होते हैं इस तरह के, जो वो क्या होते हैं कि अगर अपने स्टेशन से, जो एयर स्टेशन होता है, एयर स्पेस का स्टेशन जो होता है एयरफोर्स का, वहाँ से जब जेट निकलता है यानी जब वो वायु में उड़ान भरता है, तो इतना तेज़ साउंड आता है कि वो साउंड सेकंडों का रहता है एकदम। वो साउंड आएगा, आप साउंड की तरफ देखोगे उतने में पता चला कि जेट जो है उधर निकल गया है, आपको उधर दिखेगा ही नहीं जिधर साउंड आएगा, इतनी स्पीड होती है उसकी। वैसे भी ये पराध्वनिक सुपरसोनिक जेट कह रहा है, से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है, किस परत को क्षति पहुंचती है, वायुमंडल की एक परत है जिसको क्षति पहुंच रही है, वो है ओजोन परत। आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत, ओजोन परत। और ओजोन का सूत्र क्या है, O3, याद रखना आप, O3 को ओजोन कहते हैं। तो ये आपके आज की सीरीज में इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले सीरीज में इसी प्रकार के क्वेश्चन मेरे को आपको 500 क्वेश्चन कराने हैं, और ये इतने मोस्ट आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं, हर एग्जामों से समावेशित किया गया है, कहीं ना कहीं आप पढ़ने को भी दिखेगा आपको ये, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से बेटर तरीके से तैयार करें और आप अपनी तैयारी करें। इसी चैनल पर मैथ्स की तैयारी भी कराई जाती है आपको, और इसी चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डालता हूँ जिसके अंदर एक क्वेश्चन डालता हूँ मैथ का, 1 मिनट के अंदर, और बहुत ही ट्रिकी रहता है वो है, यानी अगर मैं रोज़ एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो 30 दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमसे होते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं, आते भी हैं हमको, हमें मालूम भी है सब, लेकिन जब हम उसका मेथड देखते हैं तो लगता है अरे यार ये ऐसे होएगा क्या, बहुत ही आसान होता है। तो मैंने ये एक नई थीम अपने माइंड में डेवलप करके ये काम किया है कि मैथ्स तो मैं प्रॉपर पढ़ाता ही हूँ थ्योरेटिकल पूरे विस्तार से, हैं मैथ्स को मतलब एकदम एक्सप्लेन करके, लंबी वीडियो रहती है उसकी, 30 मिनट, 28 मिनट, 35 मिनट, फिर आपको मैं ये सीरीज के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसकी थ्योरी भी पढ़ाता हूँ साइंस की,
तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन में अगर प्रतिदिन या 2 दिन या 1 दिन में मैं डालता रहूँ, छोटा सा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, देख लेना वैसे क्वेश्चन आप, इस पे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, 7-8 क्वेश्चन डल चुके हैं, अभी शुरू किया वो। तो वो एक क्वेश्चन में मान लो 1 महीने में 25 क्वेश्चन भी डाल देता हूँ या 20 ही डाल देता हूँ मान के चलो, तो आपके 20 क्वेश्चन तो इतने बढ़िया तैयार हो जाएंगे कि उनमें से तो आने ही आने हैं क्वेश्चन, तो आप छाप के आओगे ही आओगे, छाप दोगे जाके, सीधे छपना ही है वो एग्ज़ाम में। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन क्वेश्चनों को भी देखें और बेहतर तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।